के लिए और बिल्ड क्वालिटी भाई मैं दिखाता हूँ बिल्ड क्वालिटी। उस दिन मैं दिखा रहा था ना नई दबती भाई, देखो पूरा खड़ा हूँ इस पे पूरी पावर के साथ, ये नई दब रही ठीक है। और बात आ गई बोनट पे भाई, मुक्का मारो जो भी करो भाई लो आए, ये असली बिल्ड क्वालिटी बोलता है। और दो और थर्ड सुनाता हूँ आपको मैं भाई, आप भी शौक हो जाओगे कि देखा भाई बूस्ट देखो टर्बो का। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग भाई, आज हम फिर से एक नई गाड़ी के साथ हाजिर हो गए हैं भाई। आज हमारी पास है टाटा नेक्सॉन डार्क एडिशन, डीजल में है भाई ये गाड़ी, और जस्ट मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक हफ्ते पहले खरीदी है भाई। बहुत ही बवाल गाड़ी है, मैंने चलाई है और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और मैं अपना वन वीक का रिव्यू शेयर करने जा रहा हूँ कि मुझे इस गाड़ी में क्या अच्छाइयाँ लगी क्या बुराइयाँ लगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम करते हैं भाई शुरू गाड़ी की फ्रंट लुक से। तो भाई गाड़ी की फ्रंट लुक अच्छी ऐसी है, पहले गोल मोल थी, अब थोड़ी ना एसयूवी थोड़ा अब स्टांस दे दिया इसको, लाइट्स इसमें आती हैं भाई, बस ये मेरे को थोड़ा सा डीमेरिट लगता है इसमें। हैलोजन दी है अभी भी, तो LED देते थोड़ा अच्छा हो जाता। और टायर इसमें आता है 16 inches ठीक है, ये भी पूरे ब्लैक, इसको थोड़ा ब्लैक भी नहीं है ग्रेइश टाइप अलॉय है। और फ्रंट लुक कुछ ऐसा दिखता है गाड़ी का भाई ठीक है। और आ जाते हैं राइट साइड पे तो सेम वैसी लुक है। और यहाँ पे फेंडर में हमको डार्क की बैजिंग मिल जाती है, ये डार्क एडिशन है। और ORVM पे इंडिकेटर कीलेस एंट्री मिल जाती है, और पीछे ऐसा कुछ इसका टेल लाइट और लाइट्स मिल जाती हैं पीछे की, पूरी काली है भाई पूरी काली। और मैं सोच रहा हूँ ये जो लोगो है ना क्रोम का, इसको भी काला करवा दूँ, पर चलो वो बात की बात है। पर ऐसा कुछ रियर का लुक है इसका, सो काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई। और ये रही गाइस गाड़ी की चाबी, तो चाबी को आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको आप ये की लाइसेंस इसको टच करेंगे तो ये लॉक होगी, इसी को टच करोगे तो अनलॉक होगी। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर भाई, ऐसी है कुछ गाड़ी की लुक। अब भाई इतना हैवी डोर है कि रुक ही नहीं रहा भाई, तो भाई ऐसा कुछ गाड़ी के डोर, नीचे ये लाइट है जलती नहीं है लेकिन इसको भी जलाएंगे। और यहाँ पे सॉफ्ट टच, चार विंडोज़ पावर विंडोज़ के कंट्रोल, मिरर अनलॉक अनलॉक, ये आ गया भाई ब्लैक में। बाकी सब में क्रोम आता है, इसमें ब्लैक आता है क्योंकि ये डार्क एडिशन है, इसमें बाकियों में ये सिल्वर आता है, इसमें ये डार्क आता है। ये गाड़ी पूरी की पूरी काली है भाई, अंदर से पूरी की पूरी, स्टेयरिंग पूरा काला, सब कुछ भाई। ये लेदरेट सीट्स आती हैं इसमें, डार्क यहाँ भी लिखा हुआ, पूरा पूरे गाड़ी ऐसी है। चलो चलते हैं गाड़ी के अंदर। और यहाँ पे एक ट्विटर और ये स्पीकर भाई, 8 स्पीकर्स का म्यूजिक सिस्टम मिलता है इसमें। और भाई जो आवाज़ है लाजवाब, एक नंबर भाई ठीक है। और सबसे बड़ी कमी भाई, डे नाइट ORVM देना चाहिए था, बहुत काम की चीज़ है। ये सब भी ब्लैक, यहाँ पे हमारे आ जाता है सनग्लास होल्डर, माइक और सीट बेल्ट हमको एडजस्टेबल मिल जाती हैं, आप इनको खींचोगे ऊपर नीचे कर सकते हैं ठीक है। वैसे ऐसा कुछ गाड़ी का स्टेयरिंग यहाँ पे मिलता है, उसको म्यूजिक के कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल इस मॉडल में नहीं आता भाई, देना चाहिए था, ऑलमोस्ट 14.5 का ये मॉडल पड़ता है लेकिन फिर भी नहीं है। और ऐसा कुछ गाड़ी का मीटर, ऑन करते हैं AC ऑफ, और टियागो इंस्पायर्ड मीटर है, टियागो और टिगोर में भी सेम ही आता है, कुछ अच्छा कर सकते थे बट ठीक है, डार्क में और भी डार्क लक्स में और भी ज़्यादा अच्छा होता तो पैसे खर्चो आ जाएगा। मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये कंसोल, छोटी सी डिस्प्ले लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए सब देती है, क्लाइमेट कंट्रोल सब इसमें, AC के सारे बटन इसमें आ जाते हैं, म्यूजिक व्यूजिक जितना कुछ होता है वो सब बैक कनेक्टेड फीचर्स जो भी है सब आते हैं इसमें। उसके बाद ये आ गया AC कंट्रोल, ऑटोमेटिक AC, 6-speed का मैनुअल गेयरबॉक्स आता है, रिवर्स लगता है ऐसे करके उठा के, और ऐसा कुछ रिवर्स कैमरा की लुक है ठीक है। और एडाप्टिव गाइड लेंस के साथ आता है ठीक है। और यहाँ आता है ब्रावा USB पोर्ट और 12-volt पावर सॉकेट ठीक है। और ये आते हैं ड्राइव मोड्स, जैसे आप इसको करोगे स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, तो यहाँ पे आपको बताएगा कि कौन सा मोड है, ये सिटी है तो ब्लू कलर है, रेड रूट सब कलर के आते हैं। सो को ड्राइवर विंडो ये सॉफ्ट ओपन के साथ आता है ठीक है, अभी गंदा रखा हुआ मैंने, छोड़ो इसको। और सेम और ये सीट्स भाई, सोफा है भाई सोफा, लॉन्ग रन में इतनी कंफर्टेबल है भाई, पूरी बहुत कंफर्टेबल सीट है भाई इसकी, लॉन्ग रन के लिए बहुत बेस्ट सीट्स है। अब चलते हैं गाड़ी के पीछे। सो गाइस ये है गाड़ी का रियर डोर, लेदर पूरा लेदर फिनिश, सॉफ्ट है सब कुछ, म्यूजिक और ये सब कुछ। और ये एडजस्टेबल है भाई, सारे हेडरेस्ट ऊपर निकलते हैं, थोड़ा आपको ताकत लगानी पड़ेगी नीचे यहाँ पे पिन लगा के। तो यहाँ भी लेदर सीट्स है, आर्म रेस्ट इसमें आ जाता है, दो कप होल्डर और ऐसा है
आगे लाइट आती है भाई, इधर भी लाइट देनी चाहिए क्योंकि ये डार्क मॉडल है। इतना रात को इतना ज़्यादा काला हो जाता है कि बहुत ज़्यादा सफोकेशन होती है, तो थोड़ी सी ना पीछे लाइट भी देनी चाहिए थी। यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट आता है पीछे पास सेल्फ, और सेम यहाँ जाता है, एसी वेंट्स भी आ जाते हैं, ये एक्चुअल वाले हैं, और ऐसा दिखता कुछ फ्रंट का डैशबोर्ड। तो भाई अंदर से किसी भी चीज़ की कंप्लेन नहीं है। देखो मेरे अकॉर्डिंग ड्राइविंग सीट एडजस्ट है और बहुत ज़्यादा मतलब लेग रूम है, हेडरूम की कोई कमी नहीं है। देखो हेडरूम की कोई कमी नहीं है भाई, 6 फीट का मतलब आराम से बैठ सकता है। तो चलो अब करते हैं गाड़ी को ड्राइव और मैं दिखाता हूँ आपको गाड़ी का, दिखाता हूँ गाड़ी का इंजन, ठीक है भाई। बहुत हैवी है बोनेट, बिल्ड क्वालिटी वहाँ से ये लॉक हो जाएगा भाई। ये है टाटा का रिवर्ट्रॉन 1.5 लीटर डीजल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 113.98 bhp और 1260 न्यूटन मीटर का टॉर्क भाई। सेगमेंट में सबसे ज़्यादा तो नहीं है लेकिन भाई बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम इसको सिटी में चलाते हैं ना, माइलेज भी तो चाहिए भाई। तो इस XUV 300 इसमें ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, बट ये मुझे बहुत लगता है भाई। अब मैं इसको सिटी में ही चलाता हूँ क्योंकि हमको माइलेज भी निकालनी होती है ये लॉन्ग रन के लिए। और बिल्ड क्वालिटी भाई मैं दिखाता हूँ, वो बिल्ड क्वालिटी उस दिन मैं दिखा रहा था ना, नहीं दबती भाई। देखो पूरा खड़ा हूँ इस पर, पूरी पावर के साथ ये नहीं दब रही, ठीक है। और बात था कि बोनट पे भाई मुक्का मारो जो भी करो भाई, लोहा ये असली बिल्ड क्वालिटी बोलता है। और डोर थर्ड सुनाता हूँ आपको मैं भाई, आप भी शौक हो जाओगे कि देखा जितनी जोर से मार नहीं मारो को, ऐसा लगता है कुछ मारा है। और इजीली बंद भी नहीं होती, आम बंदे स्मृति वालों से तो खुलता भी नहीं है ये, जोर लगाते हैं वो, ठीक है। और इसमें डलता है भाई डीजल, अंदर से खुलता है ये, और शार्क फिन टीना ऊपर, और ये सारा का सारा काला ही आता है इसमें, ये भी काला शार्क फिन भी काला। तो चलो गाइस अब करते हैं गाड़ी की ड्राइव शुरू। ड्राइविंग सीट पे एसी कर देते हैं ऑन, एसी ऑन हो गया, ठीक है। गाड़ी को डाल दिया फर्स्ट गियर में, ठीक है। अब देखो तमाशा, छोड़ दिया सिर्फ क्लच छोड़ूंगा, एक्सीलेटर पे हाथ नहीं है, वो छोड़ दिया पूरा क्लच, एक्सीलेटर पे पाउंड नहीं है, ठीक है। और ये देखो गाड़ी ऑटोमेटिक रेस पकड़ेगी, ठीक है। और उस दिन i20 में हम पूरा 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 पुश दे रहे थे, अभी भी जिसको डाउट है देख लो, पूरा पुश दे रहे थे, गाड़ी नहीं उठ रही थी। अब डालेंगे दूसरे गियर में, वो देखो एक्सीलेटर नहीं दबाया और गाड़ी चल रही है। सॉरी मैंने सीट बेल्ट नहीं मिली क्योंकि वहाँ तक ही जाएंगे, दूसरा गियर गाड़ी नहीं, भले हमने रेस दबाई नहीं है और गाड़ी खुद चल रही है, इतना टॉर्क है इसमें, ये फील कर सकते हो। पेट्रोल में ये चीज़ नहीं है, ठीक है, डीजल में ये चीज़ मिलती है, ठीक है। गाइस अभी गाड़ी में डाल दिया फर्स्ट गियर और थोड़ी सी गाड़ी को करा रेड लाइन, दूसरे गियर में 66, पहले गियर में 30 कोई जाती है भाई, ठीक है। दो ही गियर टेस्ट करें, अब हम जाएंगे थोड़ा सा लॉन्ग रन में, ठीक है। गाड़ी की परफॉर्मेंस चेक करते हैं भाई, ये थी सिटी मोड में, अभी इसको स्पोर्ट्स में भी डालेंगे, ठीक है। फर्स्ट में डालते हैं भाई, अभी हम चला रहे हैं टाटा नेक्सॉन डीजल 1.5 लीटर जिसमें आती है भाई 13.98 bhp और 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो भाई इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा तो नहीं है लेकिन सेकंड नंबर पे आता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा तो XUV 300 का आता है। तो वो भी मैंने ड्राइव करी हुई है, वो भी बहुत अच्छी गाड़ी है, बट उसका ना थोड़ा सा माइलेज कम है। इस गाड़ी का माइलेज प्लस पावर दोनों ही अल्टीमेट है, आपको थोड़ा सा पुश करके दिखाऊंगा अभी आगे। बहुत ज़्यादा स्मूथ है गाड़ी चलाने में, इंजन नॉइज है बट इतना नहीं है। अगर आप गाड़ी चलाने के शौकीन है तो भाई इतना आपको बहुत अच्छा लगेगा ये, ठीक है, इतना सा तो चलता है और होना भी चाहिए क्योंकि साइलेंट हो गाड़ी तो बिल्कुल ऐसे इलेक्ट्रिक वाली फील आती है। तो अभी गाड़ी को करते हैं थर्ड गियर पे और भाई बूस्ट देखो टर्बो का, चेक करो रेड लाइन दी 103 पे, ज़्यादा क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा तो ज़्यादा पुश नहीं करेंगे, लेकिन गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा पावर है भाई, इतनी पावर है कि मज़ा ही आ जाएगा आपको, ठीक है। पावर के साथ साथ माइलेज भी है गाड़ी में, ये नहीं कि सिर्फ पावर दे दी और माइलेज के धक्के उड़ जाए, नहीं भाई, अगर रफ ड्राइविंग के साथ भी आपको 18-20 का माइलेज मिलेगा, इससे ज़्यादा क्या लोगे। XUV जो 300 है जिसमें ज़्यादा टॉर्क आता है वो क्लेम ही 18-20 करते हैं भाई, पर ये 24 का क्लेम करते हैं भाई, गाड़ी 22-23 का माइलेज ना आराम से निकालती है, और हाईवे में तो भाई 24-25 का माइलेज भी निकालती है ये, मैं वो भी टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। तो ऐसा कुछ चलाने में आप करते हैं स्पोर्ट्स मोड में थोड़ा सा पुश, फोर्थ गियर है और इसी में हम नॉर्मल स्पीड है 64 की, इसी में खींचेंगे, देखते कितना टाइम लगाते हैं। 3-2-1 स्टार्ट भाई, गाड़ी की साउंड ही बदल गई भाई, बहुत ज़्यादा आगे ट्रैफिक बड़ा ज़्यादा है, इतना ज़्यादा
कुछ नहीं हो पा रहा है, लेकिन भाई सीरियसली बता रहा हूँ, एक बार टेस्ट ड्राइव मारना इस गाड़ी की, सीरियसली आपको इस गाड़ी से ना प्यार हो जाएगा, ठीक है। सो ऐसा ये था आज का रिव्यू, मैं होप करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ भाई, गाड़ी ये डीजल में बेस्ट गाड़ी है, क्योंकि डीजल गाड़ी लोग लेते हैं माइलेज के लिए, ठीक है। तो माइलेज के साथ साथ सेफ्टी आपको 5 स्टार मिल रही है, माइलेज इसमें बहुत अच्छा मिल जाता है, XUV 300 से कई गुना ज़्यादा, क्योंकि मेरे फ्रेंड के पास है, तो उसकी गाड़ी ओवरऑल माइलेज देती है 16-17 का, ये 22-23 का माइलेज आपको ओवरऑल निकाल के, 20-22 का तो ईजी देगी, और हाईवे में तो भाई कोई जवाब ही नहीं है। बेशक उसमें पावर ज़्यादा मिलती है, लेकिन इसको भी लोग उतना ही चलाएंगे जितना इसको चलाएंगे, ऐसा नहीं है कि ये खींचती नहीं है, टाइम आने पर भाई एक बम पुच करो एकदम से भाग जाती है, बहुत ज़्यादा खींचती है ये गाड़ी। और माइलेज तो भाई इस गाड़ी का मैं बोल ही नहीं सकता भाई, डीजल गाड़ी इसीलिए तो लोग लेते हैं। तो मेरा ये रीज़न था कि मैं XUV 300 चूज़ करने की जगह मैंने ये चूज़ किया, क्योंकि इसका जो डार्क एडिशन है ना, ये काला काला, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई, बहुत ज़्यादा, बाहर अंदर दोनों तरफ से काला है, इसी वजह से मैंने ये एडिशन चूज़ किया। तो आप भी आराम से ये ले सकते हो ईजी, क्योंकि डीजल भाई और 2 साल में बंद होने वाला है, डीजल गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर ही बंद हो जाएंगी, बट जो RC में रजिस्टर्ड हुई है ना, जितनी डेट उनकी चलनी है उतनी चलेंगी, ये मैं बता रहा हूँ आपको, उतनी गाड़ी चलेगी। RC में इस गाड़ी का 2038 तक वैलिड है, तो मतलब 2038 से पहले इसको कोई नहीं हटा सकता रोड से, सो क्योंकि हमने टैक्स पे किया भाई उस चीज़ के लिए। सो ये चीज़ थी डीजल गाड़ी के ऊपर। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट गाड़ी के साथ, अच्छी सी कोई, और कोई रोड ट्रिप के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।